नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हमारे हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में और पीछे देख सकते हैं आप ये खंड विकास अधिकारी कार्यालय, मतलब प्रतावल ब्लॉक है ये। और यहाँ पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत तमाम बच्चियों की शादी हो रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर CDO महाराजगंज आ चुके हैं और यहाँ पनेरा से वर्तमान विधायक, भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी आने वाले हैं, आगमन है उनका होने वाला है। आइए, पीछे देख रहे हैं टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इधर देखिए तमाम लोग जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और हम दिखाएंगे आगे मंच पे आपको पंडाल में चल के दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, कैसे, मतलब एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। एक तरह से जान जाइए कि जो माँ बाप असमर्थ हैं अपनी बच्चियों की शादी करने में, उनके लिए सरकार का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये योजना है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं तमाम जोड़े जो है यहाँ पे शादी करने आए हैं। तमाम यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, इधर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मंजर है ये। लगभग हर सरकार को अपने कार्यकाल में, कोई भी सरकार हो, ये सामाजिक हित का कार्य है, उनको ये हर सरकार को लगभग ये काम करना चाहिए। सर, ये आयोजन हो रहा है, बहुत ही खुशी मिल रही है। और आपको नहीं लगता कि हर सरकार को ये काम करना चाहिए? सरकार ही कर रहा है ना, हम लोग तो उसके सहभागी हैं। जी हाँ, है कि इस मांगलिक वेला में हम लोग सहयोग कर सके, लोगों का घर बस रहा है, शादी हो रहा है, बहुत पुण्य का काम है कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला कि हम लोग कुछ कर पाए, कुछ कर पाए, लोगों का सहयोग कर पाए। सारी मैडम, ये तो सामान दिख रहा है सर, ये? हाँ जी बिल्कुल, सरकार जो है शादी के साथ उनको सामान भी देती है, कैश भी पैसे देती है। कैश भी 35,000 रुपये कैश है, 11,000 रुपये का सामान है, गहने में भी हम लोगों को पायल मिलता है और भी कुछ गहने मिलते हैं, बिछिया भी है, पायल भी है, सारी सुविधाएं हैं इन लोगों को। और बच्चियों के खाते में कुछ पैसा भी जमा होता है? नहीं, इसके लिए कोई पैसा जमा नहीं होता है, पंजीकरण निःशुल्क, निःशुल्क है, निःशुल्क है ये सारी। हाँ जी, सरकार जमा करवाती है? हाँ सरकार बोलते नहीं, सरकार जो है 35,000 रुपये देती है ना, 35,000 कैश देती है जी। बहुत ही माननीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी भी आएंगे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा सभी लोगों को। हमारे मुख्य अधिकारी महोदय जो है वो भी आए हुए थे, उनका भी आशीर्वाद है, सभी हमारे अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है सबको। इनसे भी लेते हैं, इनकी राय जानते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, कपड़ा भी सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कपड़ा भी इन लोगों को दिया गया है, व्यवस्था है कि आप लोग चेंज, अपना कपड़ा चेंज करेंगी। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो है ये सभी, ये लोग तो अपने से, कुछ लोग अपने से आ गए, लेकिन वो लोग सब लोग तैयार होकर के आए हैं। और ये सब परिजन है, मेहमान है या? मेहमान है, लोग मेहमान है, परिजन है। बहुत ही पुण्य का काम है ऐसा, मतलब समाज में इससे बेहतर कार्य कोई नहीं हो सकता है। आप माता जी हैं? माता जी हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। और माता पिता के लिए सबसे भावनात्मक पल होता है, बेटी की विदाई, शादी हो रही है और बड़े अच्छे ढंग से, कितने भव्य तरीके से यहाँ पे सरकार ने आयोजन करवाया है। और आप कहाँ से? बड़े पुरवा से। क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसे भव्य आयोजन से सोचा था आपने शादी होगा? नहीं सोचा था सर, नहीं। तो लगता है सरकार को, हर सरकार को लगभग ऐसी योजना करनी चलानी चाहिए। जी एकदम चलानी चाहिए, ताकि हम लोग जाते रहते हैं, खास करके पनेरा विधानसभा जो बहुत ही उधर जंगल साइड में इलाका है, वो हम लोग देखे हैं 40-40 साल की बच्चियां हो गई हैं, शादी नहीं हुआ है। मुझे पता चला कि एकमात्र बाप कमाने वाले हैं, वो दिन भर कमाते हैं तो शाम को चूल्हा जलता है, तो ऐसे में शादी कहाँ से कर पाए। ऐसे में ऐसे आयोजन अगर सरकार कर रही है तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि सबसे बड़ी बात है, यहाँ हर धर्म हर जात के लोग, हमने दिखाया आपको कि यहाँ मुस्लिम जाति की भी शादी हो रही है, कोई भेदभाव नहीं, सब एक स्थान पे भाइयों का भी विवाह हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत धर्म के। अच्छा, बहुत धर्म यहाँ
ये देखिए, हमने आपको दिखाया कि कैसे मुस्लिम बच्चियां शादी के लिए निकाह के लिए आई हुई हैं। हर धर्म, यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार जो जिस धर्म का है, जिस जाति का है, उस हिसाब से यहाँ पे शादियां हो रही हैं। ये बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पे शादियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जोड़े बैठे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत नजारा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप किसके तरफ से आई? क्या किसके तरफ से आई? पापा के साथ, मतलब उन्हें क्या लगता है आपको, क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत, जैसे हम बनाया, हमने पीछे आपने देखा कि मुस्लिम बिरादरी, वो यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। हर धर्म, कोई ऊंच हो नीच हो, सब एक बराबर, कोई किसी का भेदभाव नहीं है। एक तरह से एक तरह का आयोजन हुआ है। पीछे काफी भावुकता भरा ये सीन है। और अभी यहाँ कुछ ही पलों में यहाँ के माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी आने वाले हैं, जो वर वधुओं को आशीर्वाद देंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये जो भी सामान आप देख रहे हैं, ये जो भी सामान आप देख रहे हैं, ये सरकार द्वारा दी गई है। अभी आशा कार्यकर्ता ने बताया कि ये वो पंडाल है जहाँ पे सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत तमाम शादियाँ हो रही हैं। देख सकते हैं आप, तमाम जोड़े बैठे हुए हैं और हम आपको ले चलेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाइए, आप देख सकते हैं तमाम जोड़े जो हैं शादी के जोड़े में बंधे हुए हैं। और मुख्य अतिथि पनेरा विधायक माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी का इंतज़ार हो रहा है, उनके आने पे ही देखिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी धर्म या जाति को लेकर, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए ये कन्या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मुस्लिम जोड़े भी बैठे हुए हैं, आइए इधर से जानते हैं। कहाँ से आई हैं? ग्राम सभा बजौली से। बजौली से, अच्छा। तो जी सर, अच्छा, क्या क्या सामान सरकार से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से मिले हैं? सर 16-17 सामान है। कुकर है, बाल्टी है, 3 कटोरी है, 6 पीस कटोरी है, 6 पीस गिलास है, थाली है, 6 पीस तावा है सर, और तावा है, लोटा है, साड़ी है, दुल्हन साड़ी है, चुनरी है, पैंट शर्ट है, दुल्हन, पूरा जो भी सामान होता है सब सरकार से मिल रहा है। आप किसी पद में हैं? जी सर नहीं। अच्छा, मतलब इनको लेके आए हैं आप लोग, तो क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसी योजना हर सरकार को करनी चाहिए? जी सर, ताकि बहुत से हम लोग खास करके पनियरा में देखे हैं, हम लोग तमाम पिछड़े इलाके में देखे हैं कि बच्चियां 40-40 साल की हो गई हैं, शादी नहीं हो पा रहा है, वो कमाने खाने भर का उनके पिता लोग जो है किसी तरह से इंतजाम कर पाते हैं, शादी नहीं हो पाती है। तो एक तरह से ये एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी कोई हर कन्या का विवाह यहाँ, सबसे मेन बात दिखा रहा है कि किसी धर्म जात से कोई मतलब नहीं है, कोई भी है अगर पात्र है घर बस जाए सर। ये बहुत अच्छा सुविधा है सर, कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि बेटियों को, हम ग्राम सभा बजौली कराने वाले हैं और ब्लॉक परतावल ब्लॉक से पद भी मेरा है, आशा का कार्य करती हूँ सर बजौली से। आशा है? अरे बात है, क्या आप लोग सारे तो चल रहा है सब कुछ, क्या करें? हम बहुत बेटी बहनों के शादी में और भी कन्यादान फाउंडेशन माइजो परिवार में, उसमें बेटी बहनों को दान भी, योगदान भी दिलाते हैं सर। बहुत ही सराहनीय काम है, और खास करके आप लोग का योगदान इसमें जो है, क्योंकि आप ही लोग जमीनी स्तर पर जाके पता करती हैं कि हाँ कौन पात्र है, उनको जानकारी देती हैं, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने उनको ये जो बॉक्स है, और तमाम ने आशा कार्यकर्ती से जानकारी लिया, जो भी सामान वगैरह है, क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या गवर्नमेंट उनको दे रही है, सरकार दे रही है, और वाकई ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चियों की शादी नहीं कर पाते। वो हमने खुद जाना है, इधर जंगल इलाके में जाके गए थे हम लोग, तमाम 40-40 साल की बच्चियां हो गई हैं और जो है उनकी शादी नहीं हुई है। पिता से, माता पिता से पूछने पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि हम लोग दिन भर कमाते हैं तो बेटा खाने भर का होता है, तो ऐसे में हम शादी कैसे कर सकते हैं, जुटा रहे हैं, नहीं हो पाता है। इस पर ऐसे में ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके चेहरे, किसी आप देख सकते हैं किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, दूल्हा दुल्हन हो, माँ बाप हो, सबके चेहरे प्रसन्न मुद्रा में है,
देख सकते हैं, और ऐसे भव्यता के साथ कोई कोई छोटा बड़ा का भेदभाव यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा देखने को। और यहाँ पे सीडीओ साहब यहाँ पे आशीर्वाद दे के गए हैं, बच्चियों को माननीय विधायक जी आए हैं, ये भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और शादी अब शुरू होने वाली है। आप तमाम बच्चे देख सकते हैं, तमाम मेहमान लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ वर वधुओं को आए हुए हैं, ये इनसे जानते हैं। माता जी कैसा लग रहा है आपको ये सीन देख के? ठीक लग रहा है। हर सरकार को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चाहिए। आप लोग मेहमान आए हैं? हाँ, मेहमान बन के आए हैं। हाँ, लोटे में से एक बार आशीर्वाद देने आए हैं। जी जी, अरे शर्माइए मत, शर्माइए मत। ये सामाजिक, सुनिए, ये सामाजिक कार्य जो हो रहा है, क्या लगता है आपको कि हर सरकारों को ऐसा आयोजन करना चाहिए? बिल्कुल सही। ताकि हम लोग गए हैं इधर, खास करके इस इलाके की बात कर रहे हैं, पनीरा साइड में जंगल इलाके में गए हैं, 40-40, 45-45 साल की बच्चियां हो गई हैं, शादी नहीं हुई है। पूछने पे क्या हुआ कि एक बाप है कमाने वाला, नहीं दिन भर कमाता है तो खाने भर का होता है, तो बोला ऐसे में हम शादी कैसे करें? ऐसे में यहाँ पे सामूहिक विवाह को देख के क्या लगता है आपको कि यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं? जी, बहुत प्रसन्न दिख रही है, ऐसे दिख रहा है आपको, प्रसन्न लग रही है आप, लग रहा है कि हाँ आप देख के बहुत भावी हो रहे हैं। तमाम तमाम लोग यहाँ पे आए हुए देख सकते हैं, यहाँ पे सारे मेहमान जो है ये पर वधु को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सामग्री के ऊपर जल छिड़केंगे, ओम अपवित्र पवित्र कैसा लग रहा है आपको? स्पर्श कर लेंगे, क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है? दिव्य तेज कि हर सरकार को ऐसे आयोजन करने चाहिए, कहते हैं लग रहा है ना कि हर सरकार को ऐसे आयोजन करना चाहिए, ताकि जो गरीब बच्चियां हैं, ठीक है, असमर्थ में शादी कर लेंगे, उनका भी शादी हो के उनका भी अधिकार होता है। हाँ सही। तो चलिए हम आपको खास तौर पे यहाँ पे मुस्लिम बच्चों के लिए निकाह के लिए भी यहाँ पे बनाया गया है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ ये देख सकते हैं, ये मुस्लिम बच्चियों के लिए निकाह के लिए ये अलग पंडाल, देख बताया हमने आपको कि बौद्ध धर्म के लिए बनाया गया है, हर धर्म जाति के लिए जो जिस तरह से शादी करना चाहता है उसके लिए वहाँ बनाया गया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ निकाह जो है ये निकाह के लिए ये बनाया गया है। आप माता जी हैं? हाँ माता जी हैं। ये सामान सरकार से मिला है? हाँ। ये कौन है? तमाम। ये इसी शादी होने वाली है, यही निकाह होगा? कैसा लग रहा है आपको? माँ है शादी के वक्त बच्ची हो बच्चियाँ हो, सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है, सबसे ज्यादा खुशी कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। तो लगता ना कि हाँ हर सरकार को ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। चलिए देख सकते हैं, ये सारे सामान जो देख रहे हैं ये जो है सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, और देखा है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं है, कोई भी हर धर्म के हर जाति जो जिस मर्जी से शादी करना चाहे, जिस रीति रिवाज से शादी करना चाहता है उसको जो है उस इधर आइए। तो जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया कि तमाम जोड़े जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सामूहिक विवाह योजना में जोड़े आए हुए हैं, शादी शुरू होने जा रही है, सामूहिक विवाह जो मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह है, और दीप प्रज्वलित करके यहाँ के यशस्वी जो है विधायक जी हैं। सर क्या लगता है आपको कि ऐसे आयोजन से क्या समाज में फर्क पड़ता है? ऐसा आयोजन तो हम लोगों का सौभाग्य कि विकासखंड परतौल में आयोजित है, विधानसभा स्तर का कार्यक्रम है, और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में, और 56 जोड़े जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें 4 जोड़ा जो है अपना किसी ने कहीं कोई भी शादी कर लिया और कोई कारण पड़ गया, लेकिन 52 जोड़े जो है यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें 1 बौद्ध धर्म से जो शादी विवाह हो रहा है और 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का शादी निकाह का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ये बहुत ही उत्तम योजना है, जो माता पिता अपनी गरीब बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं
उनकी शादी कराने के लिए हमारी सरकार की ये योजना है। और Thank you.
बढ़िया।